झारखंड में राजनीतिक सरगर्मी बढ़ने के बाद कार्यकारी मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। अब जल्द ही हेमंत सोरेन फिर से एक बार मुख्यमंत्री के पद पर शपथ लेंगे। इस पूरे प्रकरण पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए नेता प्रतिपक्ष झारखंड विधानसभा अमर बावरी ने कहा कि सिर्फ 2 महीनों की बात थी। हेमंत जी, 2 महीने के बाद चुनाव जीतकर आप फिर से मुख्यमंत्री बन सकते थे। इतने वरिष्ठ नेता चंपई सोरेन को जिस तरह से सत्ता से अलग किया और उनको मजबूर किया इस्तीफा देने के लिए, इससे झारखंड की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। सत्ता सुख के लिए सोरेन परिवार कितने दूर तक जा सकते हैं, यह घटना इस बात का एक उदाहरण है। निश्चित रूप से चंपई सोरेन जी को जिस तरीके से बेबस कर और उनके जोर दबस्ती कर इस्तीफा लेने का काम किया है, इसका जवाब झारखंड के जनजातीय समाज और पूरा राज्य के आने वाले चुनाव में लोग मांगेंगे। बस 2 महीने की तो बात थी हेमंत जी, 2 महीने के बाद चुनाव होते और फिर जीत करके आप मुख्यमंत्री बन सकते थे। इतने वयोवृद्ध नेता चंपई सोरेन जी को जिस तरह से आपने सत्ता से बेदखल किया और उनको मजबूर किया अपमानित करके सत्ता छोड़ने के लिए, एक कहीं से वर भी यह झारखंड की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। सत्ता सुख के लिए सोरेन परिवार कितने दूर तक जा सकता है, आज का यह घटना उसका एक बड़ा उदाहरण मानते हैं। निश्चित रूप से चंपई सोरेन जी को इस तरह से बेबस करने का और उनसे जोर जबरदस्ती इस्तीफा लेने का जो आपने काम किया है, इसका जवाब झारखंड के जनजातीय आदिवासी सहित पूरी झारखंड की जनता आपको आने वाले विधानसभा चुनाव में देगी।